देव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हरि कथा में आनंद तो बहुत आता है भाई। अच्छा, मैं कई सारे वीडियो एक साथ बनाता हूँ, समय अभाव रहता है। अभी 2-3 दिन यात्राएं हैं तो मैं बना नहीं पाऊँगा, तो बना के छोड़ देता हूँ। कई बार आप काम में उलझे रहते हैं, कई बार यात्राओं में उलझे रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हरिकथा चलती रहती है तो दिन पूरा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लोग आए रहते हैं बहुत सारे, जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खी मक्खी आई जाती है। तो जहाँ भगवान की कथा का आनंद होता है वो लोग सुनने को, जो ईश्वर के भक्त हैं वो सुनने को आई जाते हैं। अच्छा, इंसानों की क्या बात करें, जीव जंतु आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको आनंद आने लगता है। तो आज से 10-12 दिन पहले एक हरि कथा हो रही थी, हम बैठे हुए थे, हरि चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में ये बात निकल के आई कि क्या 84 लाख योनियां होती हैं, और क्या जीव हर योनि से होके गुजरता है, और क्या मनुष्य होने के पश्चात फिर से उस योनियों में चला जाता है, ऐसा हो सकता है? देखिए, बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, आपने सुना कि नहीं मुझे पता नहीं, वो वीडियो देखा कि नहीं, कितने लोगों ने देखा ये भी नहीं पता मुझे। होता क्या है मित्रों, आप जिन्हें जड़ समझते हैं ना, उनमें भी चेतना होती है। चेतना पत्थर से शुरू होती है, लावे के रूप में एक ऊर्जा बाहर उत्सर्जित होती है पृथ्वी से, और वो पत्थरों में तब्दील हो जाती है, और वो पत्थर सैकड़ों वर्षों तक ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है, क्योंकि वो देखता है उसके ऊपर पेड़ उगे हुए हैं पहाड़ों पे। उन पेड़ों, वो पेड़ जो हैं वो लहलहाते हैं, सांस लेते हैं, उनके ऊपर जीवन है, पशु पक्षी आते हैं। तो वो पत्थर ईश्वर से सैकड़ों वर्षों तक प्रार्थना करता रहता है, एक ही प्रार्थना है कि ईश्वर कम से कम मुझे पेड़ ही बना दे, इसके ऊपर कुछ पशु पक्षी आते तो हैं, जीवन तो पनपता है। और उस प्रार्थना को सुनने के पश्चात वो एक दिन वो पत्थर टूट के मिट्टी में मिल जाता है, और उस मिट्टी में, मिट्टी से एक पेड़ बनता है, किसी बीज के रूप में उसका उत्सर्जन होता है, पेड़ बनता है, और वो सैकड़ों सालों तक, 200-300 सालों तक पेड़ बोलता रहता है कि ईश्वर ये देखो मैं तो एक ही जगह खड़ा ही रहता हूँ, पेड़ देता ही रहता है, भावना देखिए उसकी, उसे लेने की कोई लालसा नहीं होती। ऐसी भावना कई सालों तक रहने के पश्चात वो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि मुझे, मैं पक्षी बना दे, कहीं उड़ के तो चला जाऊं, कहीं मैं भी तेरे इस सृष्टि का आनंद लूं, एक जगह जड़वत खड़ा रहता हूं। तब वो पक्षियों की योनि में आता है, उसके अंदर भाव पक्षियों वाले होने लगते हैं, और ऐसे करते 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 वो अंत में गाय की योनि में आता है, और गाय से मनुष्य की योनि में आता है। गाय हमेशा अपने सत्संग में रहने वाले प्रत्येक जीव से प्यार करती है। मांस भक्षण करने वाले जो शिकारी जीव होते हैं उनसे डरती अवश्य है, लेकिन वो सदैव देने की ही लालसा रखती है, प्रेम ही करती है। इस कारण और उस भावना, क्योंकि मनुष्य के सत्संग में ज्यादा रहती है गाय, तो उसमें मनुष्य के भाव आने लगते हैं, और वो गाय योनि से मनुष्य की योनि में आती है। मनुष्यों में जब देवताओं के भाव आने लगते हैं कि मैं किसे क्या दे दूं,
देही दूँ, सर्वस्व अर्पण कर दूँ जीव की सेवा में, तब वो देवता के रूप में जीव जाता है। और देवता की योनि में जब सेवा के ही भाव आने लगे कि मैं सबकी सेवा करूं, तब वो देव योनि से मुक्त होता है, तब यो योगी बनता है। और जो समय समय पे आके जन कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्जित कर देते हैं, तब जाके कहीं वो गोलोक में जाता है। और गोलोक में उसकी आत्मा का एक पार्ट हमेशा वहाँ वेट कर रहा होता है, जो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर इस ये यहाँ जाए तो हम दोनों मिलके आगे अनंत की यात्रा पे निकले। अब ये तो बेसिक चक्र है। अब क्या मनुष्य पुनः उन योनियों में जा सकता है क्या, ये प्रश्न था। बोला गुरु जी आप बताइए। तो मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं जा सकते, आप जैसा कर्म करोगे वैसी योनि आपको प्राप्त होगी, आपकी जैसी भावनाएं होगी वैसा ही आपको चरित्र मिलेगा। अब लोगों में जिनमें पाशविक वृत्तियां रहती है आज की डेट में तो ज्यादा है, तो वो मनुष्य दोबारा कैसे बन जाएगा भाई। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, मैंने बताया ना कितना लंबा, 84 लाख कीट पतंगों में अलग अलग योनियों में, किसी की एक दिन की लाइफ होती है, किसी की 24 घंटे की होती है, किसी की 10 दिन की होती है, ऐसे 84 लाख योनियों से होता हुआ फिर मनुष्य योनि मिलती है। और उस योनि में आने के पश्चात भी आप सेवा ना करें, आपके मनुष्यों जैसे भाव तो हो कम से कम, आपके भाव ही पाश्विक रहें, आप जीवों की को मार के खाएं, आप मदिरा का सेवन करें, आप लोगों का बुरा सोचें, तो आप कैसे दोबारा मनुष्य की योनि पाने के अधिकारी बनेंगे। देखिए डॉक्टर का काम करोगे तब तक ही डॉक्टर बोले जाओगे, आपको डॉक्टर बना दिया गया, डॉक्टर की डिग्री मिल गई, डॉक्टर का काम सौंपा, आप लोहार का काम करते हैं तो लोग आपको क्या बोलेंगे, भाई लोहार है, कौन बोलेगा डॉक्टर। अगर आप किसी कलाकार का काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो लोग एक्टर बोलेंगे, भले ही आपके पास डिग्री डॉक्टर की हो। कि साहब मैं तो चाहे लोहार का काम कर लूं लेकिन मैं डॉक्टर बना रहूंगा क्या, ना जी ना, संभव ही नहीं। आप जहर खाओगे तो आप बोलोगे मैंने तो जहर खा लिया है, मैं मरूंगा नहीं। मरोगे निश्चित ही मरोगे। तो जिस तरीके के आप कर्म करोगे, जो आपकी भावनाएं रहेगी, आपकी अगली योनि वही होगी निश्चित ही। और कुछ लोगों ने कहा गुरुजी डरा रहे हो, निश्चित डरा रहा हूं, क्या ये बोल दूं कि आप स्वच्छंद होके कुछ भी करो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है, ये सत्य है क्या। आप अपराधियों का काम करोगे तो आप अपराधी बोले जाओगे ना, आप संतों जैसा काम आचरण करोगे तो संत बोले जाओगे, आप अपराधियों जैसा आचरण करो और आपको कोई संत बोले, ये संभव ही नहीं है। और आप 10 लोगों को पैसे दे के बुलवा लोगे, आप अपनी पब्लिसिटी कर लोगे संत के रूप में, जिसमें 4 लोग भ्रमित हो जाएं, उससे आप संत नहीं बन जाओगे। ईश्वर सब जानता है और आप स्वयं भी जानते हो, आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर सब जानता है, आपके अंदर CCTV लगा हुआ है आपके कर्मों के लिए, वो आपको आगाह भी करता है, बैठा हुआ गलत कर रहा है भुगतेगा, आप मानते नहीं है तो भुगतो। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, अब तो वैज्ञानिक भी बोलने लग गए हैं कि लगभग इतनी ही योनियाँ हैं, 84 लाख के लगभग अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्याएं हैं। अभी पूरा 84 लाख पे नहीं पहुंचा है, बट पहुंचने के करीब है कि इतने प्रकार के जीव रहे हैं, होते हैं,
शास्त्रों में कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, और इसमें शास्त्र तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप गार्डन को गार्डन ही बोलते हैं, पेड़ को पेड़ बोलते हैं, सूर्य को सूर्य बोलते हैं, अध्यापक को अध्यापक बोलते हैं, चोर को चोर बोलते हैं। तो आप जैसा आचरण करोगे वैसी ही आपको पदवी मिलेगी। आप मनुष्य हो के पशुओं जैसे, कीट पतंगों जैसे आचरण करते हो, या आप राक्षसों जैसे आप, तो आपको वही ओनियां मिलेगी ना। और क्यों ना मिले भाई, आपको प्रिविलेज क्यों देगा ऊपर वाला? हाँ जी, वो यहाँ की धरती का सिस्टम नहीं है कि राहुल गांधी का केस तो हाथों हाथ सुना जाएगा और आम आदमी का केस छः छः महीने नहीं सुना जाएगा। ऐसी अदालतें वहाँ नहीं है। ऐसा सिस्टम वहाँ नहीं है कि आप केजरीवाल की तरह झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और उसके बाद आपको जो है जनता सत्ता में बिठा देगी ना। यहाँ भी नहीं है, देर से बेर यहाँ भी आपको भुगतना ही पड़ता है। तो वहाँ का तो सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, और ऑटो सिस्टम है, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। आप करो, आप भुगतो, आप ईश्वर से चीखोगे चिल्लाओगे मेरी मदद कर, मैं पीड़ा में हूँ, वो आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर देता है क्योंकि वो बड़ा दयालु है। बट आपके कर्मों की सजा तो आपको ही भुगतनी पड़ती है। तो कोई माने या ना माने, किसी के ना मानने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बहुत बड़ा कुर्रम खान मान लीजिए तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए आपका वहम है, सजा तो भुगतनी पड़ती है, और उसी योनि में जाके फिर वो लख 84 के चक्करों में पड़ते हो, और फिर पता नहीं कितने लाखों, 84 लाख तो यही हो गए और एक योनि में पलट पलट के कितनी बार, जब तक वो उस मानसिकता से आपकी चेतना जो है ऊपर ना आए, तब तक उसी योनि के चक्कर लगते रहते हैं। तो एक योनि में क्या पता कितनी बार आप जन्म लो। तो करोड़ों जन्मों के पश्चात फिर से मनुष्य बनोगे। अगर गवा दिया तो भाई आप ही अपने कर्मों के मालिक हैं। अब भी समय है भाई, चेत जाओ, जाग जाओ। जीवों का भक्षण करना बंद कर दो, स्वार्थ को त्यागो, सत्य को अपनाओ, झूठ मत बोलो, कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत बोला है इसलिए मुझे पता है कोई फायदा नहीं, इसलिए सत्य बोलता हूं। आनंद आता है, याद नहीं रखना पड़ता। कहाँ हो? इस फलाने गार्डन में हूं भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा, पर जो सच है वो सच है। अगर मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि अरे आप तो गुरुजी 10 बजे उठते हो, आप लोग क्या सोचेंगे? अरे सोचने तो भाई, मैं 10 बजे उठाऊँ तो ये सत्य है, ये सत्य है। तो 3:20 पे मेडिटेशन का मेरा टाइम होता है तो होता है। अब किसी को ढकोसला लगे, सच लगे, झूठ लगे, लगे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं उनके लिए थोड़ी मेडिटेशन करता हूँ, स्वयं के लिए करता हूँ। और अगर मैं किसी दिन ना उठ पाऊँ और मैं सुबह 10 बजे मेडिटेशन करूँ तो 10 बजे किया भी है। अच्छा, आप नहा के नहीं करते? नहीं करते भैया, हमारी मर्जी। मैं नहा के करूँ, बिना नहाए करूँ, मैं तो ईश्वर में लिप्त रहता हूँ। मैं उसकी जो प्रेम धारा है उसमें नहाया हुआ ही रहता हूँ 24 घंटे, उस आनंद में ही रहता हूँ।
ये मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो गया है, मेनली 84 लाख योनियों की बात करनी थी, तो ये जो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई, ये आप ही का चैनल है, सब मिलके चलाते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है अकाउंट डिटेल दी हुई है। महादेव।